गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ माई सेकेंड क्लास ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर वन वीडियो रिलेटेड टू दिस चैप्टर। सो नाउ हमने क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लिया था, एडिशनल क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लिया था, मैंने रिवोल्यूशन अकाउंट के बारे में डिस्कस किया था। अब मैं पार्टनर्स कैप्टर अकाउंट के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ कि पार्टनर्स कैप्टर अकाउंट कैसे बनाते हैं। याद रखिएगा, जितना भी लेजर बनता है उसका जितना भी अगर कंपनी को फायदा होता है वो हमेशा क्रेडिट साइड में जाएगा, और जो भी नुकसान होता है वो डेबिट साइड में जाता है। आप जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब हमें यहाँ देखना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय हमें यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिट साइड में क्या क्या देते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस बीडी दिया जाता है। ये बैलेंस बीडी में क्या ओपनिंग कैपिटल, ये ओपनिंग कैपिटल आपको बैलेंस शीट में मिलेगा। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नहीं सॉरी, आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं। ये देखिए अनुराग और भावना का जो कैपिटल है वो 30,000 और 20,000 पे है। तो इस कैपिटल को जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कैपिटल जो है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पे आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ से ये 30,000-20,000 रुपया मैंने अनुराग और भावना को दे दिया। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट। यहाँ देखिए आप रिवोल्यूशन अकाउंट देख सकते हैं, सेकेंड वाला जो पॉइंट है वो रिवोल्यूशन अकाउंट का है। देख लीजिए बैलेंस बीडी हो गया, रिवोल्यूशन अकाउंट में हम लोग ध्यान देते हैं। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में ध्यान देते समय हमें ये भी ध्यान देना है कि ये रिवोल्यूशन अकाउंट आया कहाँ से। तो मैं बता दूँ आपको कि आप जब बनाए थे यहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट, इससे पहले वाला क्वेश्चन में जो मैंने बताया था रिवोल्यूशन प्रॉपर्टी, देखिए ये प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को पार्टनर्स को बांट देना है, क्योंकि पार्टनर सबसे पहले कैपिटल लगाता है, फिर मतलब जो भी पार्टनर करेगा हम उसे क्रेडिट साइड देना देंगे। ओपनिंग कैपिटल उसका होता है, प्रॉफिट उसका होता है, तो मैं वो सभी चीज़ को उसे देने वाला हूँ। तो मैं उसे दे रहा हूँ ताकि वो उसे कंप्लीट कर सके, है ना। अगला जो हमारा जो पॉइंट है उसे भी हम लोग देख सकते हैं। ये देखिए अगला है यहाँ पे कैश बाय कैश। अभी कैश कौन लाया, तो ये कैश जो लाया था ये नया पार्टनर लाया था। देख सकते हैं आप क्वेश्चन यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में पॉइंट नंबर में है आपका जो पॉइंट है वो लिखा हुआ है। देखिए ये ए नंबर पॉइंट में मोनिका 1/3 के लिए आई थी, और कैपिटल जो है वो 15,000 रुपये लाई है, और प्रीमियम पर गुडविल 6,000 रुपये लाई है। तो ये कैपिटल को जो है यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाता है कैश के रूप में। आप यहाँ पे कैश के रूप में भी दिखा सकते हैं, बैंक के रूप में भी दिखा सकते हैं। तो बाय कैश कब लिखेंगे और बाय बैंक कब लिखेंगे उसको भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। ये बैलेंस शीट पर निर्भर करता है कि वहाँ कैश लिखेंगे या बैंक लिखेंगे। अगर इस बैलेंस शीट के ऊपर में सबसे पहले कैश लिखा हुआ तो आप वहाँ पे बाय कैश में लाएगा, अगर बैंक लिखा रहेगा तो बैंक लिखा रहेगा, अगर कैश और बैंक दोनों है तो बैंक लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ याद रखिएगा, इस कैश की वजह से यहाँ पे जो भी कैपिटल लाया गया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो आपका बाय कैश ही लिखा जाएगा, अगर बैंक वहाँ रहेगा तो बैंक लिखा रहेगा। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल आप जानते हैं 6,000 लाया था, बट ये प्रीमियम फॉर गुडविल बांटते कैसे वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि इससे किस प्रकार से हम लोग बांटते हैं, ठीक है। तो इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हमेशा जो है हम लोग जो भी नया पार्टनर होता है उसे प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल लाना पड़ता है। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब अगर नया पार्टनर आएगा तो पुराना पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो सेक्रीफाइस रेशियो के बारे में यहाँ पे आप जान लीजिए, जो यहाँ पे जो आपका जो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ देखते थे 2:1 है, ये ओल्ड को ही हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो मान लेंगे। सेक्रीफाइस रेशियो मतलब होता है जैसे कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो डेफिनेटली बात है कि पुराना पार्टनर का जो प्रॉफिट होगा वो घट जाएगा। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन में नया रेशियो नहीं दिया रहे सिर्फ पुराना रेशियो दिया रहे तो उस पुराना रेशियो को ही हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो मान लेते हैं। इस सेक्रीफाइस रेशियो को कैसे निकालते हैं या न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं या ओल्ड रेशियो कैसे निकालते हैं, ये मैं आप उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपको, जिसमें ये एक्सप्लेनेशन किया रहेगा कि इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पे जो ओल्ड रेशियो दिख रहा है आपको, पहले से जो रेशियो दिख रहा है ओल्ड कहलाता है, इसको ही हम लोग सेक्रीफाइस मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बैक टू बैक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाते हैं। तो ये सेक्रीफाइस रेशियो में 6,000 को बांटेंगे तो 4,000-2,000 जगह ये मोनिका जो है लाकर जो है अनुराग और भावना को देगा। जैसे ही ला के दिया उसी प्रकार फिर अनुराग और भावना क्या किया, उसका आधा आधा जो है निकाल लेता है। मोनिका का काम क्या है, ट्रांसफर कर दिया 4,000 और 2,000। अब अनुराग और भावना क्या किया, पैसा निकाल लेता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं डेबिट साइड, देखिए 4,000 और 2,000 रुपये यहाँ पे उसको वही जितना भी प्रीमियम लाया था उसको निकाल लिया। इसके करने के बाद हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे बैलेंस सीट निकालना है। ये जो बैलेंस सीट है ये कैसे निकला ये देखना है। सबसे पहले क्या कीजिए, अनुराग का टोटल कीजिए। देखिए आप 37,610 है, और आप इस 37,610 को यहाँ ला सकते हैं। फिर इस 4,000 से घटा दीजिए क्योंकि वो प्रीमियम पर गुडविल निकाल लिया था। फिर जो बचा कुचा रहेगा वो बैलेंस रेडी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं 23,805 है,
भावना का। उसके बाद इसी इसको भी यहाँ पे आप लिख दीजिए, फिर उससे 2000 घटा दीजिए तो इसका भी बैलेंस शीट निकल जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपका यहाँ पे पॉइंट देख सकते हैं, ये 15000 रुपये कैपिटल आया था, इसका 15000 ही रहने वाला है। देखिए यहाँ पे 15000 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका क्यों नहीं घटा, क्योंकि इसको घटाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। अब उसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं, मैं प्रीमियम पर गुडविल को बांट दिया है। इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट में आते हैं। बैलेंस शीट को बनाते समय हम लोग ध्यान देते हैं कि कौन सा एसेट घटा, कौन सा एसेट बढ़ा। आप सबसे पहले कैश की बात करेंगे बैलेंस शीट में। आप यहाँ पे जान लीजिए कि पहले कैश क्या था, बाद में कैश क्या था, बैलेंस शीट में क्या था, पहले उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाइए और यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा कैश पहले से कितना है। देखिए इससे हेल्प लेते हैं हम लोग कि कौन सा एसेट बढ़ा है या कौन सा एसेट घटा है। जैसे यहाँ देख सकते हैं 1200 कैश है, सन डिरेक्टर 9700 है, स्टॉक 20000 है, प्लान एडमसरी 35000 है, बिल्डिंग 50000 है। तो इस सभी में कुछ वैल्यू घटा था, कुछ वैल्यू घटा था। जो भी वैल्यू बढ़ा घटा उसको अगर हम लोग मेजर करके अच्छे तरीके से लिखें तो वो आपका यहाँ पे दिखाया जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूटेड नया तरह का बैलेंस शीट है। देखिए कैश यहाँ दिखा रहा है 16200, ये क्यों दिखा रहा है मैं उसे भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले से जो कैश था मेरे बैलेंस में वो 1200 था। फिर आपको याद था, याद होगा कि प्रीमियम पर 6000 लाया और फिर उसका कैपिटल 15000 लाया, जो सब कुछ मिला के 22200 होता है। फिर उसका प्रीमियम का पैसा बाद में निकाल लिया था पार्टनर अकाउंट से अपना, 6000 कट गया तो 16200 आता है। अभी 16200 को यहाँ पे दिखाया गया है। अभी आप जानते हैं डेबिटर जो था 9700 था, उसमें से आपका प्रोविजन घटा दी, मतलब जो घट गया घटा के दिखा दी। फिर स्टॉक 20000 का था जिसमें 2000 घटा दी तो 18000 हो गया। इन्वेस्टमेंट अचानक जो एक इन्वेस्टमेंट बढ़ गया था वो 1400 दिखा दिए। फिर प्लान एंड मशीनरी जो है वो 31500 है, एक्चुअल में था वो कितना था, वो आपका बहुत सारा अमाउंट उसमें भी मैंने डेप्रिसिएशन घटा के ही दिखाया है, ठीक ना। आप देख सकते हो ऊपर में बनाया था। अब बिल्डिंग का 50000 वैल्यू था, 10000 बढ़ा दिए तो 60000 हो गया। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे सिंडिकेटर जैसा था उसे ही रख दीजिए, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगला पॉइंट जो है मेरा कैपिटल है। कैपिटल में आप देख सकते हैं ये कैपिटल कहाँ से आया, तो ये कैपिटल बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से आया। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाए थे उसमें बैलेंस शीट, वही कैपिटल को आपको यहाँ पे बैलेंस शीट में भी दिखा देना है। देखिए ये मैंने दिखा दिया, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा है वो है जनरल एंट्री की। जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं, तो जनरल एंट्री भी बनाना बहुत आसान है, आप जान सकते हैं। देखिए इसको जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं, यहाँ पे देख आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ। देखिए ये रिवॉल्यूशन अकाउंट है। रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्या करना है आपको, सबसे पहले आप देख सकते हैं डेबिट वाला हमेशा नुकसान है और क्रेडिट वाला हमेशा क्या है, फायदा है। डेबिट वाला हमेशा नुकसान दिखा रहा है, तो नुकसान क्या क्या है, स्टॉक नुकसान है, प्लान एंड मशीनरी नुकसान है। तो यहाँ से करना क्या है आपको, मैं इसे दिखाता हूँ कि ये रिवॉल्यूशन अकाउंट देखिए डेबिट में है, तो डेबिट रिवॉल्यूशन डेबिट हो जाएगा। अगर इधर जाएगा तो रिवॉल्यूशन क्रेडिट हो जाएगा। तो इधर जा रहा है रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू प्लान एंड मशीनरी प्रोविजन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जनरल एंट्री को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, तो देखिए आपको मैं यहाँ जनरल एंट्री दिखा सकता हूँ। देखिए रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट, फिर स्टॉक, फिर प्लान मशीनरी, फिर प्रोविजन। फिर आप यहाँ पे जनरल एंट्री लिख सकते हैं, नरेशन लिख सकते हैं, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट घटा है और प्रोविजन बढ़ा है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा है और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घटा है, बढ़ा है। जो मैंने रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया था उसमें आप चेक कर सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे ये दोनों देखिए इस साइड है, तो इस साइड रहेगा तो फायदा हो जाएगा। तो इस तरह से जनरल एंट्री को बनाया गया है, तो ये दोनों जनरल एंट्री बन गया। फिर आप देख सकते हैं यहाँ रिवॉल्यूशन जो प्रॉफिट हुआ था उसको बांट दिया, जो नहीं बताया 3610 1810 जो रिवॉल्यूशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ था घटाने बढ़ाने के बाद वो है। फिर उसके बाद मोनिका जो कैपिटल और प्रीमियम लाया था उसको कैश में देखिए यहाँ पे दिखाया गया, कैश अकाउंट डेबिट टू मोनिका टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट दिया गया, किसको बीच में बांट दिया गया, तो बांट दिया गया आपका अनुराग और भावना का। फिर अनुराग और भावना उस कैपिटल को निकाल प्रीमियम फॉर गुडविल को निकाल देता है, तो अगर निकालेगा तो कैश घट जाएगा, तो कैश सिर्फ क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो ये वीडियो मेरा कंप्लीट हो गया है और मैं इसे कंप्लीट कर चुका हूँ। थैंक यू। अगर आपको इसी तरह का और भी वीडियो चाहिए तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे मैं उतना वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चित रहे मैं इस तरह का आपका सारा प्रॉब्लम जितना भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकता हूँ अकाउंट्स का। थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़रूर, ताकि आने वाला समय में आपको बिल्कुल नोटिफिकेशन के साथ क्वेश्चन मिलते रहे और आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको एक अच्छा सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आप बेसिक क्वेश्चन समझ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।